हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो आज मैं चले गया था वर्ल्ड पे, उसके बाद मैंने देखा नंबर वन M1014 शॉटगन प्लेयर कौन चल रहा है, और बस उसके बाद भेज दी मैंने रिक्वेस्ट, और आगे जो हुआ आप खुद ही देखो। हेलो व्यास भाई। हेलो सोनू भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा भाई, आप कहाँ से हो ये तो बताओ। उड़ीसा। ओ उड़ीसा से हो, तो भाई आपको कैसे लग रहा है यार, आप इंडिया के नंबर वन शॉटगन प्लेयर बन गए थे यार? अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैंने आपको जब रिक्वेस्ट भेजी थी आप नंबर वन में थे, अभी नंबर टू कैसे हो गए? नहीं नहीं, मतलब अपना क्या है ना, मंडे को वो चेंज होता है, मतलब मंडे को वन हो जाएगा। तो इंडिया में सबसे टॉप प्लेयर में दिखा रहे हैं हमारे सोनू भाई 75 लेवल, 32,000 का स्कोर। यार तुमने तो गजब कर दिया भाई, आप वन टैप भी खेलते हो क्या भाई? यार मतलब रैंक में तो बॉडी मारना पड़ता है। हाँ, रैंक में तो बॉडी मारना पड़ता है, थोड़ा रिस्क रहता है वन टैप में। तो सुनो भाई, अब आपके साथ करते हैं 1v1 खतरनाक वाला कस्टम रूम, जिसमें हम लोग चलाएंगे M1040। हाँ, मेरा एक और एक दोस्त के साथ, वो जो टॉप में था ना जिसका वन दिखा रहा है किंग, उसके साथ भी मिला के बना दो ना भाई। ओके, तो सोनू भाई हमारे साथ 1v1 की जगह 2v2 बनना चाहते हैं इंडिया के सेकंड M1014 प्लेयर के साथ, है ना भाई? तो क्या बोलते हो, मैं उसको बुलाऊं 2v2 करें? हाँ बिल्कुल बुलाओ भाई, आज तो हो ही जाए इंडिया के टॉप शॉटगन लेजेंड्स के साथ कस्टम रूम, मजा आ जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो बैज भाई। ओके, तो दोनों भैया टॉप M1014 प्लेयर्स आ गए हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? भाई ठीक है। चलो गाइस, यहाँ पे हमने बना दिया है कस्टम रूम और अपने सामने है इंडिया के टॉप M1014 प्लेयर्स। भाई साहब, एक नंबर वन का और दूसरा है नंबर टू, दोनों मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, अप डाउन होते रहते हैं। लेट्स सी भाई, आज कस्टम रूम में क्या धमाका होने वाला है, मजा आ जाएगा। फिलहाल तो दीपक, पहले राउंड में हमको डेसी डिगली चलानी पड़ेगी, थोड़ी कॉइन्स की दिक्कत होती है। सेकेंड राउंड से हम लोग शॉटगन चला सकते हैं M1014, चिप वाला ऑप्शन भी आ गया इस बार तो। लेट्स गो, आप देखते हैं भाई क्या होता है। पहले राउंड में यार वन टैप पता नहीं कैसे खेलते हैं ये लोग भाई। खाने वाला हूँ वन टैप, खाने वाला हूँ। चलिए तो गया, मैं थोड़ा हाइट में था। दीपक तू भी एंटर लाया क्या? सॉरी डेजर्ट। आने दे बाहर, आने दे भाई को मौका, दे दे भाई को। आजा दोस्त बाहर आजा, मुझे ऐसे भी लग रहा है मुझे बंटा पड़ने वाला है। अरे वाह, दीपक ने भी वन टैप दे मार दिया पहले राउंड में। चलो गाइस, दोनों ने एक एक पॉइंट कर दिया है और इसके साथ हम लोग जीत गए अपना पहला राउंड, लेकिन अब होगा असली मजा शुरू। चलो भाई लेट्स गो। A94 कहाँ से आ गई अपने आप मेरे पास? अभी मैं लेवल 1 की शॉटगन से खेलने वाला हूँ। तो अरे भाई 1 HP रह गया हुआ है, मेरा हेलमेट भी नहीं है मेरे पास। नो। दीपक को भी भाई 1 HP छोड़ दिया भैया, जहाँ से शॉटगन है इनके पास, ये लोग तो बड़े गुस्से में आ गए। दीपक भाई बॉडी चल रही है। अरे भाई धिक्कार है हम पर। ले भैया, जहां से इन दो के हाथ में शॉटगन आ गई, लेवल 3 की चिप है, खत्म हो गया सीन। अपने पास तो लेवल 1 की शॉटगन थी यार। वैसे मैं सोच रहा था ये लोग वन टैप भी खेलते होंगे, बट लोग ने अभी खेला नहीं यार वन टैप। चलो एक ही शॉटगन से खेलना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो। यार मैं चाहता था थोड़ा वन टैप वगैरह खेलने, तभी तो मजा आएगा, मगर इन लोगों ने पूरा जो लगा दिया है खेलने में, कस्टम पूरा ध्यान लगा के खेलना है। कह रहे भाई आज तो बैज भाई को हराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलो भाई दीपक ने तो एक को हरा दिया। नहीं ओह, अचानक से मुझे सामने आ गया था। अभी हो गया गाइस 2-1 स्कोर, और अब मेरे पास हो गई है दो शॉटगन्स, वो भी लेवल 3 की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या लगता है इनको हरा देंगे हम लोग? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो बस मैच शुरू हुआ है यार दोस्तों। 7 राउंड का मैंने मैच लगा रखा है, जिसमें से कि 3 राउंड तो हो गए। चलो अब चलते हैं फटाफट से आगे। ये कटाना फेंको यार, ये कटाना थोड़ी स्पीड कम कर रहा है मेरी मूवमेंट।
आई गेस कहाँ पे ये लोग भाई नीचे है शायद फिर ऊपर मार के बन के आ रहा दिख गया दिख गया दिख गया अरे भाई तो को सुला दिया बॉडी पे बॉडी भर दी यार मैं चाहता था वन टैप खेलें यार थोड़ा मजा आता है वन टैप में ओके एक को तो डाउन कर दिया दूसरा वाला का है हील कर लेता हूँ यार आजा दोस्त डर मत यार आजा आजा ऊपर में फाइट करेंगे भाई ये हुई ना बात लेट्स गो क्या लगता है दीपक हरा दूंगा इसको ये कटाना फिर से आ गया मेरे हाथ में अरे यार वन टैप ट्राई करूं बता एक एक हेड लगा एक हेड लगा हेलमेट खुल गया भाई का देखो मैं यहाँ से इसको मार सकता हूँ बट नहीं आजा दोस्त बाहर आजा अरे यार अब तो वो आ गया सर्कल जोन में भागना पड़ गया गाइस इसको भी जोन में बुला लेते हैं आजा भाई सर्किल में हो जाए फाइट लेट्स गो मैच शुरू हो गया भाई अरे भर दिया भाई भर दिया अरे दादा भाई 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 सर्किल आ गया अरे यार एलिमिनेट हो गया साले तू क्या इन्हें हील करने दे रहे हैं मार रहे हैं अभी फिलहाल 2-2 स्कोर हो गया है और कितने किल हो गए दीपक के 2 किल मेरे हैं 3 किल और दोस्तों सामने भी है 2-1 अब देखते हैं इस वाले राउंड में क्या होता है फटाफट से मैंने अपनी अपग्रेड कर ली चेक सही बता तो मेरा वन टाइप खेलने का बहुत मन कर रहा है यार बट अभी सामने वाले बॉडी पे बॉडी खेलना तो हमको भी मजबूरन वही खेलना पड़ेगा वरना हार सकते हैं बहुत एक तरफा दोनों मेरे पास है दीपक जल्दी आजा भाई कहाँ तो पार्टी कर गया साइड में अरे भाई एक ही बचा है रिवाइव दे रहा है शायद हाँ रिवाइव दे रहा है बहुत बढ़िया मार दिया चल दीपक चलवा दिखा दे भाई 1v2 प्लस कर दे दोनों लोग चढ़ चढ़ के मार रहे यार मुझको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा मुझे क्या दीपक जलवा दिखा पाएगा दोस्तों वो देखने वाली बात है दीपक जलवा दिखा दे भाई दीपक की भी वैसे फेवरेट गन यही है M1014 इनक्यूबेटर वाली लेके आया है और रे भाई क्या कर दिया तूने अरे भाई ऐसे रिस्क मत ले यार भाई वन टाइम मत खेल जोन आ रहा है हाँ भाई रेडी रहना तेरे को वो जोन में जाने नहीं देगा चलो चलो जोन में जा रहा है वो तो दरवाजा बंद कर दिया इसने तेरा भाई दरवाजे तो खोल दे अरे भाई जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं पैक कौन करता है यार मैं तो इनको मौका दे रहा था आगे आके भाई जोन में आ जाओ लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस खेल रहे हैं दोस्तों अब तो मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा दीपक रास्ता ही बंद कर दिया था भाई उसने कहा था भाई तू तो जोन के बाहर मर जा मुझसे लड़ाई मत कर चलो पिछले राउंड में तो यार मैं मर गया था सबके सब चढ़ गए थे मेरे ऊपर एकदम से लेट्स गो अभी 2-3 स्कोर हो गया है बहुत ही खतरनाक इंटेंस मैच हो रहा है दोस्त चलो मेरे सामने ही सबके सब लेट्स सी क्या होता है इस बार परस हो गया भाई कुछ भी हो सकता है हील कर रहा है वो अपने दोस्त को ये हुई ना बात ओके मैंने उसको सरप्राइज दिया देखा दीपक एकदम जोन के बाहर से आ गया मैं उसको लगा मैं उस साइड से आऊँगा लेकिन कभी कभी ना दोस्तों दिमाग से भी खेलना पड़ता है आज पता नहीं कितने सालों बाद खेल रहा हूँ मैं ये बॉडी पे बॉडी वाला गेम प्ले चलो भाई गेम शुरू हो चुका है ये ख़त्म और दूसरा भी ख़त्म ये राउंड तो कितनी जल्दी निकल गया दीपक इस बार दीपक वन टैप वाली बंदूक क्यों नहीं बता
डबल बैरल नहीं, वन टैप से वैसे मैं M10 से भी मार सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई डबल बैरल चाहिए। इस बार मैं वन टैप करने का ट्राई करूँगा, चाहे सामने वाला स्प्रे मारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक संभाल लेगा क्यों दीपक? अरे भाई पीछे से मार दिया, मार 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 मार, मार। अरे भाई ये क्या हो गया, भर गया भाई उन्होंने यार, इसने मुझे पीछे से मार दिया ना, मौका नहीं मिल पाया खेलने का। चलो यार इस बार M10 14 के साथ मैं स्पास ले जाता हूँ, फिर देखते हैं भाई। 4-4 स्कोर हो गया गाइस, बहुत ही इंटेंस मैच, एकदम से मैच शुरू हो रहा है, एकदम से लोग रश करके मार दे रहे हैं। लेट्स गो। अरे दीपक भाई तो कहाँ छुपा है, ये लोग मुझे घुस घुस के मार दे रहे हैं दोस्त, यार तू मुझे बचा नहीं पा रहा है। एक गलती हो गई, अरे भाई फिर आ गया, बहुत बढ़िया दीपक क्या बात है। चल भाई आराम से हील कर ले, अभी मारूंगा नहीं, दीपक रुक गया बेचारे को हील करने दे, 1v2 है वैसे भी। इस बार वन टैप ट्राई करते हैं गाइस, लेट्स गो, देखते हैं हमारा वन टैप लगेगा कि नहीं। आजा भाई आजा 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 बाहर आजा, डरने वाली बात नहीं है, घर की बात है। अरे नहीं बच गया, लगा वन टैप ओपी वाला भाई, स्प्रे ऑलमोस्ट भर ही दिया था उसने, लेकिन मेरा वन टैप ने काम कर दिया। 5-4 स्कोर हो गया है और अभी 2 राउंड हमको और जीतने पड़ेंगे दीपक, तब जाके हम लोग जीत पाएंगे। स्ट्रेटजी से खेलना भाई, सामने वाला एक बंदा पीछे से घूम के आ गया था, एक बंदा सामने से मारा था, वो तो अच्छा दीपक ने देख दिया, सीधे स्प्रे दे दिया था उसको। लेट्स गो गाइस, इस बार मेरे सेम वेपन होने वाले हैं स्पास और M10-14, और इस बार भी मैं वैसे कोशिश करूंगा कि वन टैप ही मारूं। अरे भाई ये दूर से डेजर्ट ईगल चलाने के चक्कर में आ गया दीपक, संभल के रहना, डेजर्ट ईगल चलाने लग गए ये लोग। ओ भाई मैं दोनों एक साथ आ गया यार, नॉक है, मैं भी आ गया पीछे से, छोड़ दे बॉल, बॉल तोड़ दूं भाई, करने बंद। चलो गाइस 1v2 होने वाला है, क्या हो गया बंदा, देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं नहीं देखते, एक गया वन शॉट, ओके एक हेड लगा, बस एक हेड और मारना है खत्म। अरे एलिमिनेट क्यों हुआ भाई, मैंने तो हेड मारा था, यार मैच पॉइंट आ गया इतनी जल्दी। चलो गाइस इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्पास चलाता हूँ, वैसे भी हमारा आखिरी राउंड है, अगर हम पहला राउंड जीत जाएंगे तो मैच खत्म हो जाएगा, इसलिए सोच रहा हूँ एक चांस और देते हैं सामने वालों को, उनको स्प्रे करने दो, लेकिन मैं स्पास से मारने की कोशिश करूँगा। अरे दीपक भाई दूर से चला दिया तूने, रिवाइव कर रहे हैं, चलो रिवाइव करने दो, रिवाइव करने दो। क्या लगता है दीपक मैं स्पास से वन टैप मार पाऊंगा? 100% आजा भाई आजा बाहर आ जाओ, ओके भाई भाई भाई, भाई। शॉटगन से डर तो लगता है भाई, कुछ भी बोलो, आजा भाई आजा भाई, ओके अब तो भाई कवर में रह रहे हैं ये। अरे भाई दीपक अलर्ट रहना, अचानक से निकल निकल के मार रहा है बंदा, निकल लेता हूँ यार। इस वाले मैप में मुझे ये चीज़ खराब लगता है कि बहुत कंजेस्टेड जगह है, दीपक मार के मारते मेरे को, आगे जाना पड़ेगा जोन में, भाई तेरे को आने नहीं देंगे मुझे लग रहा है। अरे लास्ट बना दी, पेटी बना दी भैया दीपक की। क्या यार दीपक, चल कोई नहीं, अभी गाइस हो गया है 6-5 और दोबारा से मैच पॉइंट आई है। चलो गाइस आ गए हैं इस बार फाइनल राउंड में और इस बार किस्सा खत्म कर देते हैं अब, इस बार तो भैया मैं भी चलाने वाला हूँ M10-14, लेट्स गो। ये कौन है मेरे सामने, दीपक बस तू मेरे को देखना, कोई पीछे से ना मार दे भाई। अरे भाई खतरनाक रेंज है M10 की, चिप का के खतरनाक हो जाती है ना ये, दीपक को तो पेल दिया। Yeah,
चलो दीपक को बचा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दीपक आराम से निकल जाए। चल भाई एक गया और किस्सा खत्म। ओपी मैच गाइस, मजा आ गया ओनली शॉटगन में। 7-5 के साथ हमारी हो गई गाइस यहाँ पे ओपी भुया, ये हुई ना बात। सामने वाले गाइस वाकई में बहुत तगड़ा खेल रहे हैं और दोनों सेम ही गिल्ड में है और दोनों आपस में दोस्त भी है। भाई तुम लोग तो बड़ी खतरनाक चलाते हो यार, वैसे तुम लोग कस्टम कम खेलते हो क्या? तुम लोग को ओनली रैंक मैच खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर लोग कस्टम ज्यादा खेलेंगे तो रैंक में और लोग ऊपर बढ़ जाएंगे। मजा आ गया तुम्हारा गेम में क्या, एकदम रश रश करके मार रहे थे। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग कुछ अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस, चैलेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं ऐसे टॉप प्लेयर्स के साथ तो बस नीचे कमेंट करो, उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।